मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया है कि विद्यालयों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी स्वस्थ रहने के लिए। योग कोई संकीर्ण चीज नहीं है। योग को अभी सर्वानंद जी बता रहे थे 180 से ज्यादा देशों में हो रहा है। योग का किसी पंथ से भी संबंध नहीं है। योग तो विश्व कल्याण के लिए है। तो आओ मित्रों, हम संकल्प लेंगे आज तो योग करेंगे ही, लेकिन रोज योग करेंगे, क्योंकि बीमार रहना यह अपने साथ भी अन्याय है। और फिर हम काम नहीं करते तो हमारी ऊर्जा जो देश के विकास पर लगना चाहिए वो भी नहीं लगती। हम खुद पे भी बोझ बनते हैं और हम, माफ कीजिएगा, हम देश पे भी बोझ बन जाते हैं बीमार होके। तो स्वस्थ रहना भी देश की सबसे बड़ी सेवा है। अस्पतालों में भीड़ काय को लगाएं, योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को प्रणाम और धन्यवाद कि उन्होंने पूरे विश्व को योगमय कर दिया। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, और संस्कार धानी वालों की धन्यवाद।